नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। इस वक्त की बड़ी खबर बीजेपी प्रवक्ता तेजिंदर बग्गा से जुड़ी हुई सामने आ रही है। दरअसल उनकी गिरफ्तारी के बाद से सियासी हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा जो अपडेट सामने आई है उसके मुताबिक जो गाड़ी उनको लेकर जा रही थी मोहाली, उसको हरियाणा में रोका गया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में उसको रोका गया है और साथ ही साथ पंजाब पुलिस से सवाल जवाब भी किए जा रहे हैं। ये मामला लगातार अब तूल पकड़ता जा रहा है। यहां पर आपको ये भी बताते चलें कि दिल्ली में पंजाब पुलिस के खिलाफ अपहरण की FIR दर्ज कराई गई है। पूरा मामला आपको विस्तार से बताते चले, तेजिंदर बग्गा पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगा है, जिसके बाद साइबर सेल ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था और उसके बाद उनके घर से उनकी गिरफ्तारी हुई है। पंजाब पुलिस की गाड़ियां दिल्ली से उनको मोहाली लेकर जा रही हैं, लेकिन इसी बीच कुरुक्षेत्र में उनके काफिले को रोका गया। आरोप ये लग रहा है कि कुरुक्षेत्र में उनको रोका गया है और पंजाब पुलिस से अब सवाल किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अब चूंकि बीजेपी नेता की गिरफ्तारी हुई है, तो ऐसे में बाकी बीजेपी नेता जो हैं, खासकर दिल्ली के, वो इस पर अपना विरोध जता रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल पर भी तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब तो ये भी कहना शुरू कर दिया है बीजेपी नेताओं ने कि केजरीवाल पंजाब में भी अपनी सरकार चला रहे हैं और उसी के तहत तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी की गई है। वैसे यहां पर आपको बताते चले कि लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट आता है। इसके साथ साथ मोहाली जिला अदालत में बग्गा की पेशी 1 बजे होनी है। उससे पहले ये जो पूरा सियासी ड्रामा हुआ है, इसके क्या मायने निकलकर सामने आते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे।